जय हिंद टू एवरीबॉडी। आज मुझे मेरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, दो क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या मैम कभी आप भी मोटिवेट नहीं होती, और अगर आप होती हैं डीमोटिवेट तो आप क्या करती हैं। बेटा मैं परेशान हो सकती हूँ, मैं दुखी हो सकती हूँ, मैं किसी परेशानी की वजह से रो सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक मोटिवेशन का काम करती हूँ, मैं एक मोटिवेशन गुरु के रूप में आप लोगों के साथ हूँ, तो मैं डीमोटिवेट नहीं हो सकती। कई बार ऐसा होता है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है वो फुलफिल नहीं होती है, तो डेफिनेटली मैं भी परेशान होती हूँ बट डीमोटिवेट नहीं होती। अच्छा, जब मैं परेशान होती हूँ, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो क्या करती हूँ? जैसा कि आपने पूछा कि आप क्या करती हैं, तो डेफिनेटली क्या करती हूँ पता है, मैं खुद के ही वीडियो देखती हूँ। तो जब मैं अपनी वीडियोस को खुश सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे मेरे को तो मेरे बच्चों के लिए ये करना है, मुझे मेरे स्टूडेंट्स को ये देना है, तो मेरे को कोई राइट नहीं है डिमोटिवेटेड होने का। सो बेटा, ज़िंदगी में स्ट्रगल्स आते हैं, उनमें परेशानियाँ आती हैं, उनको झेलने की, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की ताकत लाओ। डीमोटिवेट कभी मत हो, क्योंकि डीमोटिवेशन कहीं ना कहीं हमारे अंदर की एनर्जी को लॉस करता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एंड यू आर गेटिंग बोथ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। जय हिंद, कीप शाइनिंग।